तो गाइज हाय गुड मॉर्निंग। तो आज है क्रिसमस का सेलिब्रेशन स्कूल में, तो गनू को मैं इसलिए फटाफट यहाँ पे रेडी कर रही थी क्योंकि गनू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और आज उसका स्कूल 9:30 बजे से था। ऐसे तो 8 बजे रहता है पर आज 9:30 बजे था, तो मैंने सोचा कि आराम से सब कुछ किया जाए। तो स्कूल में भी 2-3 चीज़ें बोली गई थी लाने के लिए, और आज इन लोगों को क्रिसमस का गिफ्ट भी मिलेगा, और क्या मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा ही आपको। तो अभी तो मैं इसे फटाफट से रेडी कर रही थी और इसके लिए नाश्ता भी बनाना था, तो इसे मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो ये बोला हलवा खाना है, तो मैंने उसके लिए वही बनाया क्योंकि मैंने बोला चलो अपने पसंद का खाएगा वो भी ज़्यादा बेटर होगा और मन से खाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे फटाफट से रेडी कर रही थी। ये है कि हाँ, इसके स्कूल में 2-3 चीज़ें मांगी थी, जैसे कि क्रिसमस का वो ट्री रहता है और ये टोपी कैप मांगा था, तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे ये जा कर के ख़रीद के लाए थे और गन्नू उसे पहन पहन के एक्साइटेड हो रहा था। और तो वो कह रहा था कि दोनों चीज़ें मेरी फटाफट से रखो, तो मैं सारी ये स्कूल में ज़्यादा कुछ तो आज ले जाना है नहीं, तो उसी हिसाब से इसका सब कुछ वो कर रही थी। और यहाँ पर इसको रेडी करने के बाद मैं तुरंत से जाऊंगी हलवा बनाने के लिए, एंड उसके बाद मैं इसे ये इसका सारा सामान इसके बैग में रख करके उस बैग में दे दूंगी। और गांव से आया हमें करीबन 1 दिन हुआ है, तो सारा का सारा मैस घर में वैसे ही पड़ा है, तो इसे स्कूल भेजने के बाद मेरा सबसे पहले मोटिव होगा कि मैं सब पूरा घर क्लीन करूं अपना। एंड गनू आज पूरा फुल मूड में है, इंजॉय करके आएगा। मैं इसे बोली जाओ जल्दी से और मस्त इंजॉय करके आओ, तब तक मैं अपना घर का भी सारा काम निपटा लूँगी और बेबी अभी जब तक सोई है बाबू मेरी, तब तक मैं देखूँगी कि कैसे भी अपना काम निपटाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे इसका ट्री और बॉटल वॉटल जो भी था टिफ़िन ये सब सब मैंने उसमें रख दिया, एंड यहाँ पर ये जा रहा है।